साइन हो गया आने का व्यूअर्स को एक फीलिंग में बता पाओ कि कैसा फील हो रहा है, तो क्या बोलोगे? मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा मतलब लग रहा है कि यार यही तो हम चाहते थे इतने सालों से, इतने सालों से हमने अपने ही देश में अपने ही भगवान को विराजमान करने का जो इंतजार किया है, आज वो पूरा होने वाला है। ये थी गौरव की फीलिंग। पर रामनगरी के वासियों को कैसा लग रहा है? दुनिया में डंका बज गया है, अयोध्या नगरी में एक मंदिर बनने से सारा विश्व देख रहा है कि एक ही नजर सब दुनिया के राम मंदिर पे है। बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में आकर। बहुत अच्छा, शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, कोई शब्द नहीं हम लोगों को, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था। आज सपने साकार हो रहे हैं, हमारे समस्त भक्तगणों के आस्था का जो विषय था आज वो मतलब एक दीपक की तरह जल चुका है। काफी क्रेजी एनर्जी है गौरव, मुझे बताओ कि राम जी से कौन सा एक ऐसा लेसन है जो आपने सीखा है, जो आपने लाइफ में अप्लाई कर लिया? एक लेसन जो राम जी से मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि बेटा देखो, वो है मर्यादा का, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम। एंड सबसे लेटेस्ट एग्जांपल की अभी उनकी जो रामलला की प्रतिमा थी, वो हम कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास दिया था भगवान को, और ये उनकी नगरी है, यहाँ पे राजा थे वो, अयोध्या मतलब राम जी की नगरी, और 500 सालों से वो चबूतरे में बैठे हुए हैं, और जिनको एक राज सिंहासन में बैठना चाहिए था, तो फिर भी उनकी मर्यादा देखिए, उन्होंने इस कंट्री के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया, जहां वो जन्मे अपनी जगह पाने के लिए उन्होंने हर वो रूल फॉलो किया जो उनसे कहा गया करने को। 1989 से अपना खुद का केस लड़ रहे हैं, रामलला एक पार्टी थे केस में, और जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया जो कि हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, राजा होते हुए उन्होंने ये प्रोसेस फॉलो किया, और फाइनली आज जिस नगरी के वो राजा हैं वहाँ पे इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आप लोगों का मतलब आई डोंट थिंक खुशी जो दिल में है उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। सुबह सुबह उठ के हम फ्लाइट में जब आ रहे थे उसका ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो आप लोग जाके हमारा एक्सपीरियंस देखो, अयोध्या में जो नया एयरपोर्ट बना है वो देखो, और तब तक मैं और गौरव आगे चलते हैं। नगरी में सबका स्वागत है। तो गौरव, मुझे पता चला कि पूरी फ्लाइट में आप नोट्स बना रहे थे। हाँ। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि इतनी नॉलेज अबाउट राम मंदिर, अबाउट राम, अबाउट हिंदुइज्म क्यों करते हो, और क्या आप क्या फीलिंग है यहाँ पर आकर? अभी आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हो, इतने सारे फैन से मिल रहे हो। हाँ। तो मैं फ्लाइट में क्या कर रहा था, मैं फ्लाइट में अच्छा मैं देखा था, मुझे फ्रेंड मुझे आपकी मैनेजर ने बता दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2019 का, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू इट कि क्या होता है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे सोर्स है इंटरनेट पे, क्या पढ़ रहे हो पता नहीं चलता, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि यार अब हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बताएं वो सही बताएं लोगों को। बिल्कुल, यहाँ है और काफी भीड़ है, बहुत भीड़ है और मुझे, और यहाँ पे एक्सेस भी नहीं है इतना लोगों के पास, फिर भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ वर्शिप करने, और ये लाइन जो लग रही है मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए लग रही है, तो ये पता करें किस लिए लाइन लगा रहे हैं। हाँ, एक पता करते हैं लोग आए कैसे, और आ जाइए भैया, ये लाइन में क्यों लगे आप लोग? नमस्कार, जय श्री राम। अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए हम लोग लाइन में लगे हैं। दर्शन खोल अभी अभी, लेकिन अभी तो दर्शन नहीं खुलोगे जी, तो वजह से दर्शन प्रारंभ हो जा रहा है। जो प्रतिमा है उसके दर्शन मिल सकते हैं जी, जी हो जा रहा है। अच्छा। आप पहले कर चुके हो जी? हम तो इनके निवासी हैं, हम तो तंबू में भगवान को देखे, आज साक्षात महल में देखे, तंबू में तो हमने भी देखा है, तंबू में देखने आए थे। आज हमारे सौभाग्य की बात है और आपके सौभाग्य की बात है कि आज हमारे रामलला जी अपने भवन में जा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी हम और आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है सर। और कुछ 2 बजे खुलेगा जी? 2 बजे तो कितना ये तेज चलती रहेगी कि धीरे-धीरे चलेगी? अभी चलने लगेगा, अभी वहाँ श्रद्धालु लोग हैं, भक्तगण हैं, वो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और अभी जैसे वहाँ से आएंगे हम लोग। पर अभी से 2 बजे होंगे और अभी से काफी लंबी लाइन लग गई है पीछे तक दर्शन करने। अभी अभी तो टेलर पिक्चर बाकी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज सपने साकार हो रहे हैं, हमारे समस्त भक्तगणों के आस्था का जो विषय था आज वो मतलब एक दीपक की तरह जल चुका है, और आज हम उसके सौभाग्यशाली हमारे पूर्वज यहाँ देखे। आप लोग क्या क्या बताना है, आप लोग एंकर हैं, आप लोग क्या बताना आप लोग जानने वाले हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। एक शब्द में बताइए क्या फीलिंग है
यहाँ पर। अब फीलिंग ये बताया जाए कि जैसे होता नहीं, कुछ लोग चले थे कुल्लू मनाली अपना ये करने के लिए, टहलने घूमने के लिए, वो सब आज सब फीका पड़ रहा है, मेरे राम जी के आगे सब फीका लग रहा है। आज ये समझिए सात समुंदर यही आ गया है, आतल वितल सुतल महातल तलातल पाताल, मतलब स्वर्ग यही अयोध्या है। आज इसको हम स्वर्ग कहते हैं, हमारी अयोध्या जो है ना ये स्वर्ग से कम नहीं है मैम, ये हमारा स्वर्ग है आज। ये गौरव आप क्या कहेंगे, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? अरे इनकी इनकी बातें सुन के और भक्ति भाव जाग गया मन में, इतना अच्छा बोला आपने। नहीं सर देखिए, ये हमारी और आपके अंतःकरण की बातें हैं सर। जी जी, हमारे और आपके अंतःकरण की बातें हैं कि हमारे प्रभु आराध्य जो श्री राम है ये आज रोम रोम में बस रहे हैं। हम लोग ने दिन देखा है सर, हम लोग ने देखा है कि यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ है। यहाँ गोलियां चली हमारे कार सेवक आदरणीय अशोक सिंगल जी, आडवाणी जी, कितनी कितनी संघर्ष झेली है, उसके बाद आज ये अवसर हम लोग को प्राप्त हो, तो हमारे लोग के लिए गौरवशाली का दिन है। 22 जनवरी अहम होगा, ये हमारे गौरवशाली का दिन होगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही। और लाखों करोड़ों नहीं, जितने भी भारतवर्ष में जितने विश्व में है जितने भी भगवान को मानने वाले हैं, आज उनके लिए ये दिन विशेष है। जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ कोई लड़का जन्म लेता है शादी विवाह, तो हम लोग एक अपना वो बना लेते हैं कि आज हमारा ये एनिवर्सरी है, ये हमारे बच्चे का बर्थडे है। वैसे हमारे भगवान का 22 जनवरी जो होगा ना, ये स्वर्णिम में लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, रचित किया जाएगा मैम जी। जय श्री राम। कितना टाइम लगा आने में? हमें तो 8 दिन लग गया। 8 दिन? बिल्कुल आए बिहार के। बिहार में कहाँ से? कैमूर जिला, आरा जिला। कब निकले थे? जी कब निकले थे? 8 तारीख को, 8 जनवरी को यहाँ पहुँच गए थे। 8 तारीख को? नहीं 8 जनवरी को चले थे और 8 दिन लगा यहाँ पहुँच गए 16 को, 14 तारीख को। और एक दिन में कितना किलोमीटर चल रहे थे आप? 25 किलोमीटर, 25 की। और खाना पीना रात को रुकना सर रास्ते में? भक्त जानो आप, राम भक्त थे, राम सबका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल है ना, यही तो राम राम रही नाम, एक बार भगवान का नाम ले लिया बिल्कुल चिंता नहीं है, यही तो फिर भगवान देख ले। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं देखे तो उनको बोलो बाबा हमारा नाम लेके निकले थे, तुम्हारा नाम लेके निकले थे, अब ध्यान रखो हमारा। तो राम की भक्ति से लोग पैदल चल के भी आ रहे हैं गौरव, मुझे तो अब लग रहा है कि फ्लाइट लेने में कुछ नहीं है यार, ये तो डीले मिले हो रहे हैं तो कुछ नहीं है उसके आगे। देखिए राम जी के लिए तो भक्ति है लोगों के दिलों में, उसको आप नाप नहीं सकते। मतलब लोग पैदल चल के आ रहे हैं, वो मतलब इस देश ने 500 साल इंतज़ार किया है अपने भगवान का मंदिर के लिए, और जब जिस दिन अब वो आ गया है कि मंदिर बन गया है, आप सोचिए ना कि यार सरकार ने कुछ नहीं दिया, 3300 करोड़ रुपया लोगों ने दे दिया, और ट्रस्ट को मना करना पड़ा कि अब पूरा हो चुका और मत दीजिए, तो लोगों की श्रद्धा और भक्ति, क्योंकि हम मानते सब भगवान ने दिया है और हमें लेके को जाना नहीं है, उन्हीं का है, उन्हीं ने दिया है, हमारा कुछ है। ये रामदाना है, ये रामगट्टा है, ये तिलगट्टी है, ये यहाँ का पाँचों मेवा वाला प्रसाद है, ये पट्टी है, ये रामदाना ये भी है। कब से आपने लगाया ये दुकान? हमारी दुकान तो यहाँ पे चल रही है 200 साल से। आप यहीं पे पापा रहते थे, अब हम भी रहते हैं, पापा भी रहते हैं। तो भैया भीड़ जैसे कब से होना शुरू हो गई यहाँ पे, लोग आना कब से शुरू हुए? अब तो 22 के बाद ही शुरू होगा, अभी इस टाइम थोड़ा ठंड। अच्छा, इसको आप कम मानते हैं अभी? हैं कम है, अभी ठंड के वजह से थोड़ा डाउन है ना, अभी और भी बढ़ेगा 22 के बाद तो बहुत ही 22 के बाद बहुत होगा, अभी ठंड के वजह से कम है। बट फिर भी अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते में आपको लगा होगा कि लोग ज्यादा आए हैं ना? हाँ, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी। गौरव बजाने वाले हैं शंख, देखते हैं कितने ट्राई लगते हैं गौरव को शंख बजाने में। कम ऑन, कितने ट्राई में आपको लगता होगा? आई थिंक थर्ड में हो जाएगा। चलो फर्स्ट, चलो टेक टू। डर लग रहा है। वाह, महाभारत में कहते हैं जब भीष्म पितामह शंख बजाते थे या अर्जुन बजाते थे जी, तो उन लोग के पर्सनल शंख होते थे, तो जब शंख बजता था ना, उन्होंने कहते हैं ना युद्ध का ऐलान हो गया है, तो भीष्म पितामह का शंख है, तो आवाज से पहचानते थे किसका शंख है वो। हाँ, ये तो अर्जुन का शंख है, ऐसे बोलते थे। और ये अयोध्या जो सिटी बन रही है काफी नई है, पर बहुत दुकानें, बहुत रेस्टोरेंट, होटल्स भी आ गए हैं, तो अगर कोई भी आना चाह रहा है तो रेस्टोरेंट होटल्स इतने तो हैं कि आप आराम से आकर विजिट करके दर्शन कर सकते हैं।
ज़्यादा कुछ ना एक्सपेक्ट करिए मैं बोलूँगी। हाँ लेकिन खाने पीने का बहुत अच्छा हो गया देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है पूरा उत्सव चल रहा है, हर जगह मार्केट है, ऐसा दिवाली जैसी फील आ रही है। सही बताओ, हाँ दिवाली इवनिंग वाली फील आ रही है, दिवाली है, लोग बाहर निकले हैं, खरीदारी कर रहे हैं, घरों से बाहर निकले हैं और अब मगन हो गए। और एक चीज में जो मैं बोलूंगी, सब इतने खुश हैं, सबके चेहरों पे बहुत बड़ी ही मुस्कुराहट है यहाँ पर आकर, तो उनको देख के ही इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि बताएं क्या है, जिस भगवान का नाम सुन के हम बड़े हुए, दिन में राम का नाम लेते हैं, और सबसे बड़ी बात हम मरने पर भी राम का नाम लेते हैं। हमारी जब इस धरती पे यात्रा समाप्त होती है तो आखिरी नाम भी हम राम का लेते हैं, राम नाम सत्य है। तो उस भगवान का इस देश में मंदिर नहीं था, तो सब लोग बस प्रे कर रहे थे कि ये मंदिर बने और हम जाएं और प्रभु के दर्शन करें। तो हम आ गए हैं यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आशीष यादव है आपका? मुझे बताइए कब से यहाँ पे दुकान है आपकी? हमारी दुकान यहाँ कम से कम 35 साल पुरानी है। 35 साल पुरानी। और कोई डिफरेंस है अब राम मंदिर? बहुत काफी डिफरेंट हुआ है, जमीन आसमान का फर्क है इसमें तो। मतलब बिक्री में है? बिक्री में देखिए अब तो बिक्री होगी क्योंकि मंदिर बन रहा है, तो पब्लिक तो आवश्यक आना ही है, रुक नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी लाखों पब्लिक आएगी। भगवान जब बुलाते तो कहाँ रुक पाते? भगवान जब टेंट में थे तब भी 1-2-4 लाख आदमी आते थे, अब तो 10-20 लाख आने का संभावना है। आराम से। आपकी दुकान में मुझे काफी अच्छी चीज़ें दिखी। एक चीज बताओ जो सबसे अनोखी है आपकी दुकान में। मुझे हमारी दुकान में जो अनोखी है वो रामलला जी हैं, जो सबसे प्यारे और सबसे अलग दिखते हैं, यही सब लोग की पसंद है, आके इनको जो है सबसे ज्यादा ये बिक रहा है। हाँ हमारे रामलला जी जो है राम स्वरूप, सारी मूर्तियाँ राम जी की, हम इन्हीं को ही प्यारे, हमको भी लगते हैं, इन्हीं को सबको देते हैं। अपना जो है निछावर होता है जो उनको हमको मिलता है, प्यार से सब ले जाते हैं। कहाँ से हो? बिहार। और यहाँ कैसे आए? यहाँ जैसे आना चाहिए सवारी ट्रेन से, ट्रेन से सवारी से। हाँ 14 धीरे धीरे बस बस से आए। और कितने दिन तक रहोगे यहाँ पे? अब यहाँ ही रहना, हनुमान जी के चरण में आए हैं, अब यहाँ ही सदा रहना है। पहले भी रहते थे और अब भी रह रहे हैं और आगे भी चल के रहेंगे। लेकिन बताओ छोटे छोटे भक्तों के भगवान जल्दी सुनते हैं? हाँ वो तो है ही, हनुमान जी के प्रभु श्री राम जी की कृपा से हो रहा है। क्या मांगोगे? हम लोग कुछ नहीं मांगेंगे, बस हम उनका एक दास हैं, हम हमेशा कुछ मांगेंगे भी तो उनका भक्ति ही मांगेंगे। अरे बेटा क्या बात बोले, वेरी नाइस, भक्ति ही कर। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, एक्टर्स सब इनवाइटेड है राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए, पर वो इनवाइट दिखता कैसा है वो देखने जा रहे हैं। हाँ मुझे बड़ा इंटरेस्ट है देखने। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बट मुझे अनबॉक्सिंग करनी है अच्छे से उसकी, और मैं चाहती हूँ जो भी उसमें लिखा होगा आप मुझे समझाएंगे वो क्या सब लिखा हुआ है। चले फिर हम किसी के घर जा रहे हैं जिन्हें एक्चुअली मिला है ये इनवाइट, तो उन्होंने बहुत ही काइंडली हमें वो इनवाइट की अनबॉक्सिंग करने दी, तो चलते हैं उनके ही घर। इनविटेशन जिस जो सब चाहते हैं कि उनके पास मिल जाए, पर गौरव और मुझे मिल चुका है ये मौका इसको अनबॉक्स करने का। तो गौरव आप शुरू करिए अनबॉक्सिंग करना और देखते हैं क्या है इसके अंदर। 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसका ये है इनविटेशन, एंड सबसे पहले इसकी जय करेंगे। खोलूं मैं? बिल्कुल खोलिए। ये राम मंदिर ये बना हुआ है पूरे इसके ऊपर, और ये डिजाइन एंड प्रिंटेड बाय रेमाधव आर्ट, अगर आप देख सकते हैं। जो इनविटेशन खोलेंगे तो कुछ ऐसा है, भारत में बहुत लोगों को ये मिला है, आप देखते होंगे, बहुत ही रॉयल लग रहा है मुझे, रॉयल लग रहा है। और इसको पाने का अवसर, मतलब ऐसा लगता है कि अगर जब तक राम भगवान का खुद का इनवाइट ना है, उनकी मर्जी ना हो कि आप दर्शन करें, आप नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ ऐसा दिखता है। ये है संकल्प, एंड ये पूरी एक इसमें क्या संकल्प है, ये किन किन लोगों ने अपना बलिदान दिया है मंदिर बनाने के लिए, उनकी कहानी है पूरी।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह धर्माचार्य वाहन पास, तो ये साथ में आपको वाहन का पास भी मिलता है ताकि आपका व्हीकल अंदर तक जा सके। मुहूर्त जिनको नहीं पता, जो इंग्लिश टाइम चलता है वो 60 मिनट्स को पूरे दिन में बांटा हुआ है, लेकिन जो मुहूर्त का टाइम चलता है वो 48 मिनट्स हम लोगों ने अपने वेदों में बांटा हुआ है। 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, अगर उसको इनटू 30 करेंगे तो 24 घंटे बन जाएंगे। मैं अपने साथ पूरी एनसाइक्लोपीडिया लेके घूम रही हूं गाइस। तो आपने सुना होगा राम लल्ला, तो भगवान बाल रूप में यहाँ पे है क्योंकि उनकी जन्मस्थली है, यहाँ पैदा हुए थे, इसलिए राम श्री राम लल्ला जन्मस्थली को बोलते इसको बोलते हैं। लगभग 495 वर्षों के बाद आ रहे हैं इस पावन अवसर का साक्षी होने का सतभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। और राम मंदिर की इनॉग्रेशन के दिन बहुत सारे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो आई थिंक यही इनविटेशन उन सबके घर गया है और हमने आज अनबॉक्स करा, तो मुझे तो बड़ा मजा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। गौरव आपको कैसा लगा ये करके? बहुत अच्छा लगा और भगवान ने अवसर दिया, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। जन जन के जिन में निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। कि जैसे त्रेता युग में जब 14 वर्ष बाद वनवास भोग के रामचंद्र जी आए थे और बाकी जनता त्रेता युग में इंतजार कर रही थी, उससे ज़्यादा कलयुग की जनता इंतजार कर रही है कि 22 तारीख के बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है। क्या होने वाला है? ये होने वाला है के सारे बूढ़े बदल जाएंगे, जवान बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, नारियां बदल जाएंगी, पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा, हवा चेंज हो जाएगी, ग्रह दशा चेंज हो जाएंगे और आपको ताज्जुब होगा कि सारे लोगों को और तरह का लगने लगेगा, सारे लोगों के मकान बन जाएंगे, जो जो मांग रहा वो हो जाएगा। साबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। वो रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, रामचंद्र भगवान की जय। पूरी अयोध्या सिटी घूमने के बाद अब टाइम आ गया कुछ खाने का, तो गौरव हम आ गए हैं मिष्ठान भंडार। और क्या खाने वाले यहाँ पे? बोलते हैं सबसे स्पेशल है यहाँ की दही जलेबी, नीचे दही जलेबी फिर रबड़ी भी डालते, तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग और कुल्लड़ में मिलती है और सब लोग वही खा रहे हैं, तो आप देखते हैं कैसे बनती है। बिल्कुल, और यहाँ बहुत सारे बंदर हैं तो यहाँ बच के जाना पड़ेगा हमें। भैया एक दही जलेबी और कचौरी कर दीजिए। समोसा दिए, कचौड़ी दी है, कचौड़ी और छोला, दही जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। और ये आपका यहाँ पर रबड़ी, तो अयोध्या जब आप आएंगे आपको तीखा भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा। क्या बात है, तो प्लीज आप इसका स्वाद लीजिए। करो आप गौरव, बताओ कैसा है। नीचे दही हल्की खट्टी, बीच में जलेबी गरम, ऊपर रबड़ी मीठी। अच्छी है, बुरी है? बहुत अच्छी है। ये क्या है? छोला और कचौड़ी। और हम कहाँ आए, ये मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये हम तुलसी उद्यान के पास हैं, राम पथ पर मौजूद हैं और यही अयोध्या की लाइफ लाइन कहलाती है। ये सड़क 13 किलोमीटर लंबी है, पूरी अयोध्या इसी सड़क के किनारे बसी हुई, जब आप यहाँ पर हैं श्लोका, तो ये रास्ता सीधे नया घाट की तरफ जाता है। बंदर आ रहे हैं, कचौरी और छोले बहुत चटपटी और बहुत अच्छी है। आखिरी में कोई मैसेज आप देना चाहोगे व्यूअर्स को, कोई मैसेज देना चाहोगे जनता को, या फिर कुछ आपने जो राम जी से सीखा है? मैं तो ये कहना चाहूँगा लोगों से कि जिनकी भी श्रद्धा है, जो मानते हैं, यहाँ पे आए विजिट करें। एंड मतलब राम का 0.001% भी अगर हम अपने में उतार सकें तो वो बहुत होगा हमारे लिए। एंड कभी कभी हम सोचते हैं यार जीवन का उद्देश्य क्या, हमने जन्म क्यों लिया है? तो जन्म तो हमने भगवान की प्राप्ति के लिए है। अपना काम करिए, काम करने को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि सब लोग अगर साधु संत बन जाएंगे तो काम कौन करेगा, फिर तो सब कुछ रुक जाएगा धरती पर, काम कैसे होगा? काम करते करते ही
भगवान का स्मरण दिन में 5-10-15 मिनट रात को सोते वक्त करिए, बहुत उन्नति मिलेगी आपको काम में भी और शांति बहुत मिलेगी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया हमारे साथ अयोध्या आए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल था कि आप आए, हमने मुझे समझाया सब कुछ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपकी वजह से हमें भी आने का मौका मिला, इस पावन धरती पे कदम रखा हमने। थैंक यू सो मच।